हेलो गाइस, वेलकम टू आयांस किचन। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैंडविच की स्पेशल चटनी। इस चटनी के साथ आपके सैंडविच का 100 गुना स्वाद बढ़ जाएगा। और इस चटनी को आप सिर्फ सैंडविच के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी चाट या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सैंडविच स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 से 7 हरा मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़े से पुदीना के पत्ते, मिंट लीफ और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून लेमन जूस। और हमें सादा नमक की भी जरूरत पड़ेगी जो कि हम नॉर्मल खाने में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप धनिया पत्ती ले लिया है और यहाँ पे हमने चिल्ड वाटर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आइस क्यूब का भी यूज करें, बट नॉर्मल पानी का यूज नहीं करना है। तो हम सभी चीजों को बारी बारी से डाल देंगे। धनिया पत्ती का ये डंठल के साथ ही हमें यूज करना है, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम सभी चीजों को बारी बारी से डाल देते हैं। प्लेन नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सभी चीजों को डाल दिया है, अब हम बाकी चीजें भी जो बचे हैं वो डाल देते हैं। नमक हमें टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। चिल्ड वाटर डालने से चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, या तो आइस क्यूब का यूज करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, आपके सैंडविच का तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें और आपने देखा ही कितनी आसानी से बन के रेडी हो जाता है। चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि कितना अच्छा चटनी बना है। आप इसे किसी चाट में भी डालेंगे ना तो उसका 100 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।